नमस्कार, घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत है। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? तो आज आप क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ आने वाले फेस्टिवल के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और कम बजट में और बिना गैस जलाए रेसिपी और मिठाई, जो कि बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा और आपको झंझट भी कम लगेगा। तो चलिए बनाते हैं। बट उससे पहले मैं खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूँ। आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 पीस ओरियो बिस्कुट लेंगे और इसके सारे छिलके को उतार कर इसके बिस्किट से क्रीम निकाल कर साइड में रख देंगे। ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, तो मेरे वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं इसके अंदर वाले क्रीम को एक चाकू की हेल्प से साइड में निकाल लेती हूँ। सेम इस तरह से आप भी सारे बिस्किट के क्रीम्स को बाहर निकाल लीजिएगा। मैंने क्रीम्स को साइड में कर दिया है बिस्किट से। अब मैं सारे बिस्किट को मिक्सर जार में ऐड करूँगी और इसका एक फाइन पाउडर तैयार करूँगी। तो मैंने इसका एक पाउडर तैयार कर लिया है, देखिए ये कितना फाइन है। अब मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो पाउडर तैयार है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर। क्योंकि इसमें शुगर ज़्यादा ऐड करना नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसका आटे की तरह गोंद तैयार कर लेंगे। मैं मानती हूँ हाथ से अच्छा औजार कोई भी चीज़ नहीं है, तो मैं इसे हाथ से ही गूँथ लूँगी। हो सके तो आप टाइम टू टाइम मिल्क और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आटे की तरह यह गूंथ गया है, अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और फिर मैं क्रीम को लूँगी और इसमें क्रीम ऐड करूँगी और क्रीम को भी मिक्स कर लूँगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड कर रही हूँ और मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। फिर मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और इसे भी हम साइड में रख देते हैं। तो हम अब बिस्किट लेंगे और बिस्किट का एक बॉल्स तैयार करेंगे। और फिर इसे कैप की तरह शेप देंगे एज लाइक मेरी वीडियो की तरह। और फिर हम इसमें बीच में क्रीम को ऐड करेंगे और इसे एक बॉल्स बना देंगे। आप चाहो तो आप इसे मोदक का भी आकार दे सकते हैं और मैं आपको बिना सांचे का मोदक बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर मोदक का ही आकार दिया है और मैं इसमें शेप देकर बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फॉक लूँगी और फॉक से इसे बीच बीच में लाइन क्रॉस करूँगी एज लाइक दिस। तो लीजिए एक तैयार है और मैं आपको दूसरा भी कर दिखाती हूँ, तो आप इसी तरह से बहुत जल्दी ही सीख जाइएगा।
तो लीजिए दूसरा भी तैयार है। अब मैं सारे को बना लेती हूँ। अब मैं सारे तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसका प्रेजेंटेशन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मिठाई को पहले मिल्क में डिप किया और फिर इसमें नारियल बुरादा लगाया। तो लीजिए इसका एक प्रेजेंटेशन भी तैयार हो गया। अगर आप इस तरह से अपने बच्चों को खिलाइएगा तो इस पर वो टूट पड़ेंगे, उनका पेट भी भर जाएगा और मन भी। हम लोग को क्या चाहिए कि हमारे यहाँ का बच्चा पेट भी भरे और उसका मन भी भरे। तो लीजिए तैयार है बिना गैस जलाए मिठाई। तो इस पर अब आने वाले सारे फेस्टिवल में आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। इसे आप फ्रिज में भी 10-15 मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। तो मैं इसे तो वेट नहीं कर सकती, मुझे बहुत ही यम्मी लगता है ये खाने में। तो चलिए हम इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। सच में इट्स टू यम्मी। यकीन नहीं होता तो आप इसे एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि कैसा बना है। और आपको कोई सजेशन देना हो या फिर हमें कुछ कमेंट करना हो तो हमारे वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता बट मेरा हौसला ज़रूर बढ़ता है आगे काम करने को। तो फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि अपना भारत स्वच्छ भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड नमस्कार।